ये न्यूमेरिकल है बेटा, न्यूमेरिकल है, मासेस ओवर पुली, प्रॉब्लम ऑफ मासेस ओवर पुली की न्यूमेरिकल है बेटा। देयर इज अ पुली, टू मासेस 12 केजी एंड 8 केजी आर सस्पेंडेड ओवर द पुली। यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग हमें निकालना है बेटा। दो मासेस है, एक है 12 केजी और दूसरी है 8 केजी। हियर शाबाश बेटा, मास m1 इज इक्वल टू 12 केजी, m2 इज इक्वल टू 8 केजी, ठीक है। तो पहले एक्सेलरेशन, हमारे पास एक्सेलरेशन की फॉर्मूला निकल ली है, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए 9.8 या 10 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूमेरिकल्स के लिए इसका वैल्यू हम 10 भी ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो m1 माइनस m2, m1 कितना है, फॉर्मूला ये है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g, ठीक है बेटा। m1 का वैल्यू हो गया 12 माइनस 8 अपॉन 12 प्लस 8 इनटू 10, 10 g का वैल्यू ले लीजिए, 12 माइनस 8 इज 4 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन, ये आ गया एक आंसर, ठीक है बेटा, ये आ गया एक आंसर। सेकंड है, आपको पता है सेकंड जो सेकंड है आपके पास, ध्यान से सुनिए, सेकंड है टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, टी निकालना है। टेंशन किस तरीके से फॉर्मूला है बेटा, सबको पता है, ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g, वैल्यूज पुट कर दीजिए, हो गया 2 इनटू m1 12 इनटू 8 अपॉन m1 प्लस m2, हो गया 12 प्लस 8 इनटू g, g का मतलब हो गया 10 लेना है। इधर देख लीजिए, ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10, 10 12 इंटू 8 96। टेंशन है, टेंशन टी, टेंशन का मतलब हो गया फोर्स, तो इसका टेंशन का यूनिट आएगा न्यूटन, 96 न्यूटन और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोगों को पेपर में कोई भी मासेस दिए हो, आप लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन और टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है बेटा। ये है न्यूमेरिकल ऑन प्रॉब्लम ऑफ मासेस ओवर द पुली, ठीक है बेटा। इसको आप लोग कैलकुलेशन में 9.8 के बजाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा सकते हैं। थैंक यू।